न्याय का मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय परिसर में जब कानून का पाठ पढ़ाने वाले अधिवक्ता ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो फिर लोग न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे। जी हां, भागलपुर व्यवहार न्यायालय उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब पंखे के मामूली विवाद में वकीलों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते पूरा परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया और एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार करने लगे। घायल अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि मैं विधिक संघ में अपनी कुर्सी पर बैठा था और अचानक पंखे को लेकर विवाद हो गया। अधिवक्ता महेश यादव से लड़ाई हुई, लड़ाई करुआ चला गया। कुछ देर बाद वो अपने सहयोगी अधिवक्ता राजीव झा, कपिल यादव, अजीत सोनू के साथ आया और मेरे सर पर जान मारने की नीयत से प्रहार कर दिया, जिससे मेरा सर फट गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अरुण कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई। वहीं अधिवक्ताओं के दो गुटों में हुए मारपीट के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। अपनी कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल में सीनियर को दिखा रहा था और इसी समय जो है महेश यादव आया, हमको आते जो है दो घुसा मार दिया मुंह में और उसके बाद खींच करके जो है बाहर निकाला। उसके बाद जब हम उसको अटैक करने के लिए उसको जो विरोध किए तो वो भाग गया, भागा। उसके बाद फिर दौड़ करके जो आ गया उधर से राजीव झा, कपिल देव यादव, अजीत सोनू विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण यही है कि पहले से जो है हम लोग अभी तदर्थ कमेटी के मेंबर हैं और पहले से वो लोग जो यही गुंडागर्दी कर रहा था और उसके बाद सदर कमेटी में जब हम लोगों को जो अधिकार मिला, जो काम देख रहा है यहाँ पर, इसलिए वो लोग जो है हर हमेशा डिस्टर्ब करता है, कभी बिजली चोरी करवा लेता है चारों मिल करके, कभी जो है पंखा किसी का खराब कर देता है, कभी जो है पानी बंद कर देता है, यही काम है।